अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है कि आप सब शाद रहें, आबाद रहें। आप देख रहे हैं हकीकत टीवी और मेरा नाम है अली। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इसकी जो सीटें जो खाली हैं उन सबकी तफसील मैं आपको दो हिस्सों में बताऊंगा। फर्स्ट जो आपके सामने ऐड आ रहा है इसके अंदर लिखा हुआ सबसे पहले जो है साइबर असिस्टेंट है। इसकी 18 से 30 साल इसकी एज है, 5 साल की इसकी रियायत दी जाएगी। पंजाब के अंदर इसकी टोटल 8 सीटें हैं, बाकी सिंध की हैं, सिंध के बाद की हैं, सिंध के अलावा, ठीक है। लेकिन हमें जो यहाँ पर चाहिए होगी वो हमें पंजाब की चाहिए, ठीक है। टोटल इसकी 8 सीटें, जिसके अंदर वुमेन कोटा है, मिनोरिटीज़ का कोटा है, डिसेबल का कोटा है, टोटल 8 सीटें हैं। उसके बाद आपके पास जो आता है उसके वो है आपके पास कम्युनिकेशन असिस्टेंट BBS 15 स्केल है इसका। इसके लिए उन्होंने भी ग्रेजुएशन मांगी है, ठीक है। साथ में इसको टाइपिंग आनी चाहिए। टोटल इसकी पंजाब के अंदर टोटल इसकी 5 सीटें हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टेनो टाइपिस्ट है, 18 से 30 साल इसकी एज है, 5 साल की इसको भी रियायत दी गई है। मेरिट के टोटल इसकी 3 सीटें हैं। इसके लिए इंटर चाहिए, 80 से 40 इसकी रफ्तार है और शॉर्ट हैंड की। और इसके अलावा कंप्यूटर का चंद एक तजर्बा, उसको सॉफ्टवेयर भी आते हों, ये होगी आपके स्टेनो टाइपिस्ट की। इसके बाद आता है जनाब चौथे नंबर पर आपके पास ऑपरेशनल सपोर्ट्स टेक्नीशियन है, 18 से 30 साल इसकी एज है, इसको भी 5 साल की रहता है, ठीक है। इसमें 1 सीट है, इसके लिए BCS चाहिए। यहाँ सिंपल BA BSc वाला भी इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन साथ में उन्होंने सिंपल BA वाले को कहा है जनाब आपको IT के अंदर भी कोई ना कोई तजर्बा होना चाहिए, कोई हारनो पता होनी चाहिए, बिल्कुल कोरा करारा बंदा नहीं चाहिए। इसके बाद आता है अपर डिवीज़न क्लर्क, इसका 11वां स्केल है, 18 से 30 साल इसकी एज है, इसको भी 5 साल की रहायत है। मेरिट के अंदर इसकी 5 सीटें, ठीक है। तो ओवरऑल ये सीटें इसकी ली जाएंगी अपर डिवीज़न क्लर्क की ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बेस के ऊपर है, इसके लिए भी साथ में कंप्यूटर का होना मस्ट है। टाइपिंग लिखी तो नहीं है लेकिन उम्मीद कर सकते हैं इसका भी पेपर टाइपिंग टेस्ट इसका होगा। अच्छा, उसके बाद आता है जनाब लोअर डिवीज़न क्लर्क, 18 से 30 साल इसकी एज है, पंजाब के अंदर इसकी टोटल 23 सीटें हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपल मैट्रिक चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी कम से कम 30 होनी चाहिए। कोई भी नॉर्मल बंदा अगर वो टाइपिंग जानता है, उसको कीबोर्ड चलाना आता है, उसकी 20-25 उसकी बन जाती है टाइपिंग, तो समझे कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें, इसकी स्पीड चाहिए। इसके अलावा टेक्नीशियन है, BPS 9 है, 18 से 30 साल इसकी एज है, इसमें 5 साल की रियायत है। मेरिट पर टोटल इसकी 1 सीट है, सिर्फ FSC चाहिए। ये पूरे पंजाब से गिनी जा सकती है, पूरे पाकिस्तान से गिनी जा सकती है, उम्मीद कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान से होगी। इसके बाद आता है ड्राइवर, इसका 14 स्केल है, 18 से 35 साल इसकी एज है, लोकल बेस उनको चाहिए, यानी कि लोकल वहाँ का रहायशी ही उनको चाहिए, क्योंकि जहाँ की सीटें हैं ये सीटें हैं जनाब जहाँ का भी वो बंदा उनको, ये लाहौर की सीटें हैं जी, पूरे पंजाब में नियरेस्ट जो भी होगा उसी बंदे को वो लेंगे, ठीक है। जिस भी ऑफिस में उन्होंने भर्ती करना होगा बिल्फा लगा ले, लाहौर में इसका दफ्तर है, इसकी 1 सीट है यहाँ के लिए की हुई है, तो उन्होंने लाहौर के ही राउंड बोर्ड ही बंदा कोई लेना है। उसके बाद आ जाएगा डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर। ये डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर कहते हैं जो सिंपल फोटोकॉपी मशीन चलाने का बंदा माहिर हो, उस बंदे को लेंगे जिसकी तालीम प्राइमरी हो, लेकिन ज़्यादा मैटर क्या करती है कि उसको ये मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ उसकी फॉल्ट भी निकालने, उसको ठीक करना भी आता हो, यानी कि मैकेनिक हो। इसके बाद आता है नायब कासिर, सबसे बेहतरीन सीट इसके अंदर है। इसका पहला स्केल है, 18 से 30 साल इसकी एज है, 35 साल वाला बंदा इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। 36 सीटें इसकी, प्राइमरी पास हो, प्राइमरी का सर्टिफिकेट मस्ट है, मस्ट का मतलब लाजमी चाहिए। उसके बाद आता है सेंट्री वर्कर। सेंट्री वर्कर का ये होता है कि इस बंदे से कुछ भी कोई भी काम करवा सकते हैं, किसी भी तरह का भी, लोग सफाइयाँ कर दो, चाले उतार दो, तो ये वो कुछ भी इसे करवा सकते हैं। सेंट्री वर्कर का मतलब ये नहीं कि वो पाइप शाइप खोलेगा, कोई इस किस्म का काम करे, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि इससे वो कोई भी काम करवा सकते हैं। इसके लिए प्राइमरी बेस पे चाहिए, 5वीं का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 18 से 30 साल इसकी भी ये चाहिए, लोकल बेस उनको ये चाहिए। अच्छा, तो इस पे करना क्या होगा, आप उनको इसकी दरख्वास्त लिखेंगे, दरख्वास्त फॉर्म आपको मिल जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट कीजिएगा, मैं आपको इसका फॉर्म भेज दूँगा, नहीं तो आप पॉइंट से यहाँ से आकर भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने इसके साथ जो चीज़ें उन्होंने मांगी हुई हैं, ID कार्ड है, 3 तस्वीरें हैं, ठीक है, और इसके अलावा तलीमी सर्टिफिकेट हैं, वो साथ इसके लगाएं,
लगाने के बाद सबकी कॉपी लगाने, 3 तस्वीरें साथ लगानी है और 11 जुलाई तक आपने इसको भेज देना, ठीक है। जो दरख्वास्तों के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी, तो बराए मेहरबानी सारी चीज़ें लगा कर साथ भेजिएगा, ठीक है। और आपने ये दरख्वास्त जो है ना वो लिखनी है, बनाम इसके देनी है अली मोहम्मद डायरेक्टर पर्सोनल 2, ठीक है। ये बंदा है जनाब मेन जो वहाँ का सारे काम को हैंडल कर रहा है, ठीक है। इसके नाम पे दरख्वास्त होगी, तो अगर किसी भाई को इसकी समझ ना आए तो काइंडली मुझसे रब्ता कर ले। जी प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जो अभी डिटेल सारी बताई है, वो सारी डिटेल अगर आपको उसकी सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ठीक है, तो मैंने एक नीचे एक लिंक दे दिया है। उस लिंक को आप क्या करेंगे, उसको लिंक को आप जस्ट एक क्लिक करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। आप मुझे वहाँ पर आकर एक मैसेज कीजिए, ठीक है। मैसेज में आप मुझे ऐड सेंड का मुझे मैसेज भेजिए, तो आपको जितने भी मैंने अभी तक सेंड किए हैं जो लेटेस्ट जॉब हैं वो सारी की सारी आपको आपके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैं आपको सेंड कर दूंगा। वहाँ सारे पढ़ लीजिए, अगर आपका दिल माने तो आप इसको आगे ज़रूर शेयर करें, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है वो आपके ज़रूर काम आएगी। आपके काम ना आ सके तो आप इसको आगे किसी को भेज दें ताकि किसी और के काम आ जाए। ये जितने भी आर्ट्स होते हैं सारे के सारे जो ना वो अखबार से लिए जाते हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे।